अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बकरीद के मौके पर आज हम बनाएंगे मटन सीख कबाब बिना ओवन और तंदूर के पैन पर बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो खीमा, इसे अच्छे से धोकर छन्नी में रखकर इसका पानी अलग कर लिया है और इसमें ऐड करते हैं एक मीडियम साइज की प्याज को चॉपर में चॉप की हुई, और इसे भी अच्छे से निचोड़ कर इसका पानी अलग कर लें और इस तरह से ऐड कर लेंगे। 10 काजू टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 टेबलस्पून भुने चने का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 10 से 12 पुदीने के पत्ते, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 हरी मिर्च इस तरह से तोड़कर ऐड करेंगे। वन फोर टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट, हरा धनिया, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 लेमन जूस, 1 टेबलस्पून बटर, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। बटर डालने से ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। इन सब चीज़ों को हमें ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना लेना है। देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है इसे, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके अब बनाएंगे कबाब। तो मैं यहाँ पर स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपके पास स्टिक ना हो तो आप इसे इस तरह की पेंसिल भी ले सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से मीडियम साइज़ के गोले बनाएंगे और इसे इस तरह से सेट करके पेंसिल बीच में रखेंगे और ऐसे दबाकर ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखिए ये बनकर तैयार हैं। इस तरह से हम इसे रखेंगे एक ट्रे में और इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं। ये मैंने 5 बनाकर तैयार कर लिए हैं और स्टिक से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये भी, यहाँ पर मैंने 12 से 13 कबाब बनाकर तैयार कर लिया है आधा किलो मटन से। अभी इसे फ्राई करेंगे। पैन को अच्छे से गरम करके इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम होने के बाद इस तरह से कबाब रखेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें कुक करना है। इसकी साइड चेंज करते हुए और इस तरह से पैन को सेट करते हुए इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि मटन भी अच्छे से गल जाए। और ये मैंने इसे कवर करके कुक कर लिया है और इस पर अप्लाई करेंगे मेल्टेड बटर ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये बनकर तैयार हो गए हैं। हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरे भी फ्राई करेंगे इसी तरह से। मैंने इसे भी कवर करके 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक किया है अलट पलट कर, और इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इस तरह से सेट करके इस पर बीच में कटोरी रखते हैं और चारकोल का जलाकर इस तरह से 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट तक रखते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये कटोरी हटा लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे मैंने पुदीने की चटनी और नींबू के साथ सर्व किया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बने हैं और जो स्मोकी फ्लेवर दिया है ये बिल्कुल तंदूर में बने जैसे लग रहे हैं। तो व्यूअर्स इसी पर बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।